नमस्कार, बोलता बिहार न्यूज मीडिया में आपका स्वागत है। इंटर नामांकन में 138 कॉलेजों को भी OFSS पोर्टल पर चढ़ाए बोर्ड। प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह वित्त संपोषित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारी कल्याण महासंघ पटना के अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह ने बिहार विद्यालय परीक्षा समिति में छात्र हित में 138 इंटर कॉलेजों को भी OFSS पोर्टल पर अविलंब लोड करने की मांग की है। अध्यक्ष प्रोफेसर गणेश प्रसाद सिंह के हवाले से प्रदेश सचिव सह प्रवक्ता प्रोफेसर पीके झा प्रेम ने आज भगवानपुर में प्रेस को बताया कि पिछले महीने ही माननीय उच्च न्यायालय ने CWJC 86/2021 में शिक्षा विभाग बिहार सरकार की संकल्प संख्या 427/2020 को रद्द करने का फैसला सुनाया था। अतः उक्त फैसले को ध्यान में रखते हुए सरकार और बोर्ड को नामांकन से वंचित 138 कॉलेजों को भी पोर्टल कर अविलंब चढ़ाना चाहिए, ताकि वह नामांकन के लिए इच्छुक छात्र छात्राओं को इसका लाभ मिले और वित्त संपोषित कर्मियों को लंबित अनुदान का भुगतान किया जाना चाहिए। प्रोफेसर प्रेम ने बताया कि आगामी शिक्षक दिवस के पूर्व संस्था पर राजधानी पटना में एक भव्य शिक्षा समागम एवं सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें भारत सरकार के शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान एवं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय के साथ साथ बिहार सरकार के पूर्व उप मुख्यमंत्री तथा कई विधायक व विधान पार्षद भाग लेने की स्वीकृति दे चुके हैं, जिसमें महासंघ की स्मारिका अंतर विधि को लोक पढ़ना भी किया जा रहा है। आज प्रोफेसर प्रेम के नेतृत्व में भगवानपुर प्रखंड के कई महाविद्यालयों में वित्त संपोषित शिक्षक एवं शिक्षकेतर कर्मचारियों के द्वारा व्यापक जन जागरण अभियान चलाया गया, जिसमें प्राचार्य धर्मदेव प्रसाद तथा प्राचार्य सुरेश शाह, प्राचार्य डॉक्टर प्रदीप कुमार सिन्हा, प्राचार्य अखिलेश चौरसिया के साथ प्रोफेसर दिलीप कुमार, प्रोफेसर राम इकबाल चौधरी, प्रोफेसर ब्रजेश कुमार, प्रोफेसर रंजू रानी, प्रोफेसर ओम कुमार सिंह, प्रोफेसर हीरा झा, श्याम सुंदर राय, राम कुमार झा, दिनेश प्रसाद सिंह, श्री राम राम, अनिल कुमार सिंह आदि मौजूद रहे। भगवानपुर से विजय भारती की रिपोर्ट।